हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरा नाम दीप्ति है और आज मैं आपको लेकर आई हूँ बहुत ही ट्रेंडी एंड फेमस मार्केट में। गेस करो कौन सी? नहीं पता चल रहा, मैं ही बता देती हूँ भाई। आज मैं आई हूँ सरोजनी नगर मार्केट और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा शॉपिंग किसने की है। बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये लो निकालो, सॉक्स निकालो, स्लीपर निकालो, इधर आप अपने रूम में आप आए। मैंने अभी से थकना शुरू कर दिया है। सो फाइनली मैंने इतना सारा सामान ले ही लिया है। अब क्या लिया है और किसका कितना सामान लिया है ये मैं आपको घर जाके दिखाने वाली हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को मार्केट में पानी नहीं कहीं दिखा और हम नहीं पी पाए थे तो, और वो प्लेटर खाने के बाद तो जो मेरी हालत हुई ना मैं बता नहीं सकती। पर मैं जा रही हूँ घर और मैं चाय पी के फिर अनबॉक्सिंग करूँगी सारे सामान की। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सो गाइस, ये मेरी शॉपिंग ऑफ द डे। अब मैं आपको अनपैकिंग करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या खरीदा और मेरे लिए क्या लिया है, दीपक के लिए क्या लिया और बच्चों के लिए क्या लिया है। सो स्टार्ट करते हैं हम। ये है रिधांश का। सो गाइस, ये है रिधांश के लिए जिसका प्राइस है 300 रुपीज। एक ये लिया है मैंने और एक ये लिया है रेड कलर का। और ये इसका स्टफ आप देख सकते हो, मैं थोड़ा पास आके दिखा देती हूँ। ये इसका जो स्टफ है ना वो ऐसा है, कुछ अंदर से पूरा वार्म है और बहुत सॉफ्ट है और बहुत मुलायम है। मतलब पहनने के बाद इसको बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आने वाली है और काफी वार्म है। सर्दियों के सबसे बेस्ट लगा मुझे ये। और दो कलर है, मतलब सेम पैटर्न के दो कलर है। और अब हम इसको यहाँ रखते हैं साइड में। और ये है एक पजामा टाइप ऑफ पैंट कह सकते हो, या पैंट टाइप ऑफ पजामा आप कह सकते हो। उसमें पॉकेट्स है और ये भी काफी वार्म है अंदर से। ये इसमें भी, और ये एक्चुअली ये मेरे दो ही हैं और एक ये पहना हुआ है रिधांश ने और एक ये रहा। तो इनका जो प्राइस है वो है 350 रुपीज। और अब बात करते हैं जो मेरी फेवरेट चीज मैंने ली है रिधांश के लिए, वो ये सॉलिड डेनिम की जैकेट है। और इसके पास जैकेट ऑलरेडी थी वैसे डेनिम की, बट ये जो अंदर है ना इसमें वॉर्म फर लगा हुआ है और ये बहुत वॉर्म है और काफी अच्छी, मतलब काफी अच्छी लग रही है। लुक वाइज भी काफी अच्छी लग रही है। तो आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है रिधांश इसमें, और काफी मस्त है ये जैकेट। और इसका जो प्राइस है वो है 850 रुपीज। अब आप सोच रहे हो सरोजनी नगर मार्केट में भी इतना महंगा सामान ले लिया, बट एक्चुअली बच्चों का या तो क्या बोलते हैं उसको, पटरी पे मिलता है सामान या दो तीन शॉप दिखी मुझे जो बच्चों के लिए वहां पर, तो मुझे ये बेस्ट लगी और काफी अच्छी क्वालिटी में है ये। अगर मैं नॉर्मल डेनिम की जैकेट लेती हूँ मॉल से तो वो मुझे 1500-1700 तक की मैंने ली हुई है, बट ये 850 में भी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें फर और प्लस डेनिम है, तो सर्दियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। अब बात करते हैं मैंने क्या लिया है। मैंने लिया है कि ये वॉर्म स्वेटर टाइप का कह सकते हो, वूलन है ये और 250 का मैंने ये लिया है। और ये जीन्स जो कि मेरी जिंदगी की पहली जीन्स है 200 रुपए में। मतलब अभी तक मैंने 200 में कोई ऐसी जीन्स नहीं देखी और मुझे इसकी जो फिटिंग है ना वो बहुत ही अच्छी आई है। तो नॉट बैड, 200 रुपए में बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जीन्स है ये।
सबसे बड़ी बात ये होती है कि जीन्स की अगर फिटिंग अच्छी आ जाए ना तो जीन्स अच्छी लगती है। और ये है मेरे प्यारे बच्चों के लिए वन, इसका प्राइस 300 रुपीज है। सेम ये भी अंदर से पुतला ही वॉर्म है एकदम, सेम ये भी सेम 300 रुपीज प्राइस है और ये भी अंदर से वॉर्म है। सबसे सॉलिड आइटम जो है ये पैंट है, नॉर्मल देखने में आपको ये रिधानिश के लिए, सो नॉर्मल आपको ये देखने में लग रही होगी जीन्स है, बट एक्चुअली ये जो जीन्स है ना ये अंदर से ऐसी वाली जीन्स है और ये अंदर एक प्रॉपर ब्लैंकेट टाइप वाला कपड़ा लगा हुआ है और बहुत मोटा है और बहुत मॉम है ये कपड़ा। सो ये है 450 की और सेम ऐसी रिधानिश की है, ये घटू की है, ये रिधानिश की है, सेम 450 900 रुपीज की दोनों जीन्स है और ये भी अंदर से मॉम है। तो गाइज ये है शर्ट, ये 150 रुपीज की है, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ले ली, मस्त है एकदम, इसका कॉटन की है, अभी तो यूज होने वाली नहीं है बट मुझे 150 में अच्छी लगी तो मैंने ले ली, थोड़े बड़ा साइज है, नेक्स्ट ईयर इसको आराम से आएगा। तो मेरी शॉपिंग जो है ये थी और ये 100 रुपीज का मैंने लिया गट्टू के लिए और ये भी काफी वार्म है अंदर से, तो हम इसको नीचे सर्दियों में आराम से पहना सकते हैं, बच्चों की बनियान के ऊपर भी हम इसको पहना सकते हैं, काफी वार्म लगता है बच्चे को ये अंदर से। ये तो ये हमारी शॉपिंग हुई, अब मैं कैलकुलेशन, और मैंने मेरे लिए क्या लिया है 3 सनग्लासेस, वन सिडी सेकेंड, अच्छा हाँ मैं आपको दे दूंगी वापस, दिखा एक बार जल्दी, मुझे सनग्लास नहीं दिखा रहे क्योंकि मेरे लिए भी एक है, शो मी इधर फास्ट यार, मैं आपको दे दूंगी अभी, है ना, एक ये है, एक ये है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। तो ये 100 रुपीज के मैंने लिए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है रेमेन, तो कॉपी है ही, ओरिजिनल नहीं है। ये सो गाइज ये थी मेरी शॉपिंग, अगर मेरी वीडियो और शॉपिंग पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कौन सा वाला स्टफ आपको सबसे अच्छा लगा है।